बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स अर्थात सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसमें अभी तक हमारा फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट थी अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च। फर्स्ट यूनिट में पांच जो चैप्टर थे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है, वो सेकंड यूनिट के चार टॉपिक हैं और सेकंड यूनिट का शीर्षक है मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में सबसे पहला जो टॉपिक है पाठ्यक्रम के अनुसार, वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च प्योर एंड अप्लाइड। अनुसंधान के प्रकार शुद्ध, मौलिक और दूसरा है व्यावहारिक। तो इस अध्याय में हमें अनुसंधान के प्रकार समझने से पहले ये समझना होगा कि अनुसंधान क्या है, फिर सामाजिक अनुसंधान क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान के लक्ष्य क्या हैं, सामाजिक अनुसंधान की विशेषता क्या है, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रियाएं क्या हैं। उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही सामाजिक अनुसंधान को विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया गया है, जिसमें हम प्योर एंड अप्लाइड की चर्चा भी करते हैं, मौलिक एवं व्यावहारिक भी की चर्चा भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि सामाजिक अनुसंधान या अनुसंधान क्या है। डोनाल्ड स्लेसिंगर, मैरी स्टीवेंसन तथा पी वी यंग ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का अन्वेषण, विश्लेषण तथा प्रामाणीकरण करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। डोनाल्ड स्लेसिंगर, मैरी स्टीवेंसन तथा पी वी यंग ने एक वॉल्यूम निकलता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। उस एनसाइक्लोपीडिया में सामाजिक अनुसंधान को या अनुसंधान को परिभाषित करते हुए जो लिखा है, वो एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ। इनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का अन्वेषण, विश्लेषण तथा प्रामाणीकरण करने की एक व्यवस्थित पद्धति है, जिसका लक्ष्य ज्ञान का विस्तार, शोधन अथवा सत्यापन करना है, चाहे वह ज्ञान एक सिद्धांत के निर्माण में अथवा कला को व्यवहार में लाने में सहायक हो। डोनाल्ड स्लेसिंगर, मैरी स्टीवेंसन एवं पी वी यंग ये कहते हैं कि एक ऐसी पद्धति जो सामाजिक जीवन का वर्गीकरण, विश्लेषण, अन्वेषण तथा प्रामाणीकरण करने में सहायक हो, उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और इस सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है कि या तो अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान का विस्तार करे, या फिर वो कोई नई चीज़ का खोज करे, शोधन करे, अथवा पहले से जो प्रचलित सिद्धांत हैं या ज्ञान है उसका वो सत्यापन करे। ये जो प्राप्त ज्ञान है इस व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से, वो किसी सिद्धांत को निर्मित कर सकता है या फिर जो भी कला है उस कला को व्यवहार में लाने में सहायक हो सकता है। ये बात कही है डोनाल्ड स्लेसिंगर, मैरी स्टीवेंसन तथा पी वी यंग ने। तो अभी तक हमने ये चर्चा जो की है, प्रारंभिक चर्चा, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये कहा है ना कि सामाजिक अनुसंधान व्यवस्थित पद्धति है सामाजिक जीवन का अन्वेषण, विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण करने की, और इसका जो लक्ष्य है वो ज्ञान का विस्तार, शोधन अथवा सत्यापन करना है। तो ये एक इस तरह की प्रविधि है, इस तरह की
एक कार्य प्रणाली है जिसमें वैज्ञानिक अपने प्रश्नों का उत्तर खोजता है। तो इन कार्य प्रणालियों को इसीलिए विकसित किया जाता है ताकि जो सूचना संकलित हो वो विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा वैसायिक हो, और इससे हम जो भी प्रश्न उपस्थित होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर खोज सकें। क्लेयर सेल्टिज, मैरी जहोदा एवं अन्य ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में ये कहा है। किसने कहा है? क्लेयर सेल्टिज, मैरी जहोदा एवं उनके साथी, इन्होंने पुस्तक लिखी है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। इसमें ये कहते हैं कि प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न अथवा समस्या को लेकर प्रारंभ किया जाता है, कि कोई भी अनुसंधान प्रारंभ होता है तो उसके पीछे कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अथवा कोई समस्याएं होती हैं जिनका उत्तर या हल खोजना उस अनुसंधानकर्ता या वैज्ञानिक का उद्देश्य होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्यों, कैसे, कब तथा कौन शब्द यदि हम अनुसंधान का प्राण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी रिसर्चर, किसी भी अनुसंधानता, किसी भी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में सर्वप्रथम सवाल उत्पन्न होते हैं, उन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए ही वह खोजबीन करता है। तो इसीलिए हम कहें कि कौन, कब, क्यों, कैसे, ये अनुसंधान के प्राण हैं। उदाहरण के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये आ सकता है कि सेब पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं, आकाश में क्यों नहीं तैरते, रात्रि के समय आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या गरीबी दूर करने से अपराध समाप्त हो जाएंगे, क्या बड़ी उम्र के व्यक्ति 35, 40 या 30 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी अभिरुचियां स्थिर हो जाती हैं। हम ये कहें कि छोटे बालकों या जो किशोर हैं उनकी तुलना में प्रौढ़ों की अभिरुचियां स्थिर हो जाती हैं। क्या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, संक्षिप्त उत्तर वाले जो प्रश्न हैं, परख हैं, वो जो बड़े उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय तथा वास्तविक हैं। तो इस तरह के प्रश्न, और भी प्रश्न हम ले सकते हैं कि क्या जो असंतोष है निम्न वर्ग में, वो असंतोष पूर्व में उनका किए गए शोषण का परिणाम है, क्या दहेज प्रथा ऋणग्रस्तता को उत्पन्न करती है, क्या बाल विवाह से विधवाओं की समस्या उत्पन्न होती है, क्या भारतीय परिवार विघटन की तरफ अग्रसर हैं, क्या जाति व्यवस्था में जातियों के भीतर वर्ग उत्पन्न हो रहे हैं, वर्ग की विशेषताएं आ रही हैं, क्या बाल अपराधी टूटे हुए घरों के पर्यावरण से उत्पन्न होते हैं, क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न मस्तिष्क में उपस्थित हो सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक व्यक्ति प्रयास करता है। तो ये हमने अभी बात की है कि कब, क्यों, कैसे, कौन, ये प्रश्न अनुसंधान की आत्मा है, और इन्हीं को खोजने के लिए, इनसे संबंधित अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक अनुसंधाता प्रयास करता है। क्लेयर सेल्टिज, मैरी जहोदा और उनके सहयोगी, जिनकी चर्चा अभी हमने की है, पुस्तक है उनकी रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, वो ये कहते हैं कि अनुसंधान उत्तर खोजने की ओर प्रेरित करता है, यह उन्हें प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी। तो इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं है कि कोई वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता जो किसी समस्या से प्रेरित होकर अध्ययन करता है वो प्रत्याभूत रूप से
उत्तर खोज ही पाएगा, लेकिन उस उत्तरों को खोजने को प्रेरित करता है अनुसंधान। तो सामाजिक अनुसंधान की हम जो चर्चा करें और उसमें हम ये बात करें कि ये सामाजिक अनुसंधान वस्तुतः है क्या, और इसमें हमने ये बात करी है कि ये एक ऐसी प्रामाणिक पद्धति है जो सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करती है। तो अब सामाजिक अनुसंधान में जो शब्द है अनुसंधान, उसका क्या तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ क्या है? सामान्यतया ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा में जिज्ञासा रखते हुए उस दिशा में खोज द्वारा उपलब्ध होने वाली सामग्री का क्रमशः परीक्षण तथा समीक्षा ही अनुसंधान है। अनुसंधानकर्ता या अनुसंधाता किसी विशेष तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए उस दिशा में खोजबीन करता है, और इस खोजबीन को अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, शोध या फिर रिसर्च की संज्ञा देते हैं। तो अब व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसंधान की। अनुसंधान नामक अवधारणा शब्द दो शब्द समूहों से बना है, एक अनु तथा दूसरा संधान, इन दोनों के योग से अनुसंधान बनता है, जिसका अर्थ है विशिष्ट लक्ष्य को सम्मुख रखकर उसकी पूर्ति के लिए दिशा विशेष में कार्य करने के लिए तत्पर रहना। अनुसंधान अनु और संधान दो शब्दों के योग से बना है, और इस अनु और संधान, या हम कहें कि संधान के अनु उपसर्ग लगा है, तो अनु उपसर्ग लगने के बाद में जो इस पूरे शब्द अनुसंधान का अभिप्राय हुआ वो ये है कि विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति के लिए किसी दिशा विशेष में कार्य करने के लिए तत्पर रहना, ये अनुसंधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों की स्थापना के लिए निरंतर शोध कार्य में संलग्न रहता है, निरंतर खोजबीन में संलग्न रहता है। दूसरी अवधारणा इससे मिलती जुलती है, जिसको प्रायः काम में लिया जाता है, वो अन्वेषण। अन्वेषण का अभिप्राय है किसी विशेष इच्छा से प्रेरित होकर उससे संबद्ध चिन्हों के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, कि कोई भी विशेष इच्छा हो उससे व्यक्ति प्रेरित होगा, और प्रेरित होकर जो कुछ उस विशेष लक्ष्य को पूरा करने वाले, इच्छा को पूरा करने वाले संकेत या चिन्ह उपलब्ध हैं, उस संकेत या चिन्हों को काम में लेते हुए वह विशेष दिशा में आगे बढ़ेगा, उसको हम अन्वेषण कहते हैं। तीसरे जो शब्द थी वो गवेषणा। गवेषणा जो शब्द है उसमें भी वही खोज की इच्छा रहती है, ये भी खोज की इच्छा को व्यक्त करता है। प्राचीन काल में भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो बच्चे और प्रौढ़ गायों को या पशुचारण के कार्य में संलग्न रहते थे। तो सुबह जब गायों को वन में छोड़ा जाता था तो शाम को उन्हें वापस घर लाने के लिए खोजबीन करने का प्रयास होता, और ये जो घर लाने का प्रयास होता ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होता। उनके पदचिन्ह, उनके मलमूत्र, वे प्रायः कौन सी दिशा में जाती हैं और कहाँ मिलती हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और कहाँ पर उनके लिए सूखा या हरा चारा उपलब्ध है, तो इन सारे तथ्यों, इन सारी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए जो जिस व्यक्ति को, जिस प्रौढ़ को या बालक को ये दायित्व दिया गया था गोचारण का, पशुचारण का, तो वो उस इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता और कम समय में उन गायों को खोजने में सफल हो जाता। तो ये जो प्रक्रिया थी इसको, गायों को खोजने की प्रक्रिया को गवेषणा शब्द कहा गया। और ये जो शब्द हैं जैसे गोधूली बेला, ऐसे ही गोचारण, गोपाल, गवेषणा, इनमें गो शब्द प्रमुख है। तो गायों का अन्वेषण करना, गायों का संधान करना, गायों की खोजबीन करना, और वो भी एक क्रमबद्ध
पद्धति के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से खोज करना गवेषणा कहा गया, और यही शब्द आगे चलकर साहित्यिक अनुसंधान में भी काम में लिया जाने लग गया। तो एक तरह से तथ्यों सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले किए गए अध्ययनों को मार्गदर्शक मानते हुए जो खोजबीन की जाती है वो गवेषणा है। फिर इसी में एक अंतिम शब्द था, वो अंतिम शब्द लिया था शोध, और शोध अंतिम से पहला, शोध के बाद में रिसर्च की बात की है। शोध, हम ये जानते हैं कि घरों में मक्खन निकालने के लिए जो दही का शोधन किया जाता है, प्रक्रिया की जाती है, उसको शोधन कहा जाता है कि मक्खन का शोधन करना। तो एक तरह से विस्तृत फैली हुई सूचनाओं में से कॉन्क्रीट या विशिष्ट काम में आने वाले आने लायक जो सूचनाओं को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसको शोधन कहा जाता है, और वहीं से ये शोध बना। तो इस शोध का अभिप्राय क्या हुआ कि विषय से संबंधित क्षेत्रीय फैली हुई सामान्य सूचनाओं को एकत्रित करके उनको काम में लेने लायक बनाना, ये शोध कहलाया। फिर रिसर्च, रिसर्च में भी दो शब्द हैं, री सर्च, सर्च खोजना, री पुनः बार बार। तो किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी भी विशेष इच्छा से प्रेरित होकर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का, दत्तों का संकलन करता है, और यदि ये संकलन बार बार संभव है तो हम उसको ये कहते हैं कि उसके द्वारा संकलित की गई सूचनाएं उस लक्ष्य को समान परिस्थितियों में पुनः पूरा कर सकती हैं। तो ये अभिप्राय था अनुसंधान का। अगले जो अपना वर्चुअल लेक्चर होगा उसमें हम सामाजिक अनुसंधान, फिर सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसके लक्ष्य, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे। धन्यवाद।